हे गाइस, वेलकम बैक टू फ्लेवर्स ऑफ लाइफ विद कानन। आज मैं बताने वाली हूँ कौन सा आइटम इस प्लेट में से, क्या आप गेस कर सकते हैं? मैं बता देती हूँ, आई एम गोइंग टू मेक दैट ग्रीन पालक पुलाव। जी हाँ, पालक पुलाव बनाएंगे आज, जिसके लिए मैंने एक कुकर ले लिया है और उसमें डाला है 2 बड़े चम्मच देसी घी। पुलाव है तो घी में बनेगा, इसको हम कानिका भी बोल सकते हैं, द प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम। तो घी थोड़ा गर्म होने के बाद मैंने डाला है इसमें तेजपत्ता, जीरा, काली मिर्च 10-12 और ग्रीन कार्डमम 3 और एक बड़ी इलायची और ब्लैक कार्डमम और ये एक स्टिक सिनेमन स्टिक 2 इंच का, 2 सूखी लाल मिर्च डाला है और फिर उसको हम अच्छे से चला लेंगे, लेट इट स्प्लटर। और फिर उसके बाद डालेंगे 1 मीडियम साइज अनियन रफली चॉप। अगर आप अनियन नहीं खाते तो यू कैन स्किप दैट ऑल्सो। ये थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट, दिस कैन, इट इज ऑल्सो ऑप्शनल, मतलब आप नहीं खाते तो आप सिर्फ जिंजर में ही बना सकते हैं, टेस्ट वैसे ही आएगा। थोड़ी सी हल्दी, हमें ज़्यादा हल्दी नहीं डालनी है। थोड़ी सी लाल मिर्च, तो आप पूरी तरह स्किप कर सकते हैं। ये मैं ज़्यादा नहीं डाल रही क्योंकि इसका जो टेस्ट है हमें कम ही माइल्ड रखना है। और ये मैंने धो के रखा था 1 घंटे तक सोक करके। दिस इज़ लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस कोहिनूर का। आप अपने हिसाब से चावल यूज़ कर सकते हैं, जो चावल आपको सूट करता है, जो चावल आपके घर में रेगुलरली बनता है उसमें भी आप आराम से बना सकते हैं और बासमती चावल से भी बना सकते हैं। तो उस घी थोड़ा सा ज़्यादा लेने का ये है कि चावल को भी हम उस घी के साथ थोड़ा सा रोस्ट करेंगे एंड अब जाएगा हमारा मेन इंग्रेडिएंट जो है, जो पालक। अब मेन बात ये है कि पालक जो है उसको डबल कुक नहीं करना चाहिए। इफ़ वी डबल कुक इट देन इट लूजेस ऑल इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू। तो इसको मैंने ब्लांच नहीं किया है। ये है धनिया पुदीना का पेस्ट। तो पालक जो है मैंने ब्लांच नहीं किया है, इसको सिर्फ धो के पेस्ट बना लिया था काट के, क्योंकि द राइस इज़ गोइंग टू कुक इन दैट पालक। सो पालक यहाँ पर पकने ही वाला है, तो इसका इस बात का ध्यान रखें कि पालक जो है उसको डबल कुक कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो कुछ फ़ायदा नहीं खाने का, इट विल लूज़ ऑल इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू। एंड देन उस पालक को भी प्रॉपरली सारे चावल के साथ मिक्सअप करके बढ़िया से हम डालेंगे अभी पानी। ये जो मिक्सी में पीसा था उसमें थोड़ा सा बचा हुआ था, तो अच्छे से धो के वो पानी डाल दिया। अब पानी इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप कितना पानी डालना है, क्योंकि मैं ये बासमती राइस ले रही हूँ, दिस इज़ सॉल्ट टू टेस्ट, मैंने सेम अमाउंट का लिया है बिकॉज मुझे उसको निकालना नहीं है पानी। बट आप जिस जो भी चावल ले रहे हैं उस हिसाब से पानी मेजर करके डालिए। एंड दिस इज़ लेमन विच विल नॉट ओनली गिव टेस्ट बट ऑल्सो रिटेन द ग्रीन कलर ऑफ द पालक। और इसको मैं प्रेशर कुक नहीं करने वाली हूँ, अदरवाइज वो ग्रीन कलर चला जाता है। इसको मैं पैन कुक करने वाली हूँ, इसलिए इसको जब बॉयल आ जाए प्रॉपरली और थोड़ा सा सीजनिंग वगैरह टेस्ट करके पानी का एडजस्ट करके फिर उसको मैं ढक दूँगी। अराउंड टोटल मुझे लगा इसको प्रेपरेशन टाइम 10 मिनट का और 10 मिनट का कुकिंग टाइम और वो तैयार हो गया। बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस, आप अपने फेवरेट साइड डिश के साथ इसको सर्व कीजिए, वेज नॉन वेज सभी के साथ बहुत अच्छा लगता है। इतना टेस्टी होता है कि एज इट इज़ भी खा सकते हैं। एंड आई होप यू हैव लाइक द वीडियो, सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग फ्लेवर्स ऑफ लाइफ विद कानन। बाय।